सलाम करता हूँ आपकी खिदमत में, और अब चाहता हूँ कि और दूसरी एक अहम बात यह है कि मैं ये कामयाब जश्न शीनकाफ निज़ाम हज़रत शीनकाफ निज़ाम साहब के कदमों में रख रहा हूँ, और ये ऐलान कर रहा हूँ कि ये मुशायरा, ये जश्न आपका कामयाब हो गया। बस सिर्फ एक शेर ये पर कहना चाहता हूँ कि शायरी थी कभी कमाल मेरा, शायरी थी कभी कमाल मेरा, शायरी अब मेरी करामत है। कमाल से करामत तक का ये सफ़र निसफ सदी पर मुनहसिर है मोहतरम शीनकाफ निज़ाम साहब का। मैं उनसे दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा कि वो आएं और अपने तजुर्बात, अपने मशाहिदात का निचोड़, अपनी ज़िंदगी की जो अर्थरेजियाँ उन्होंने किए, वो आएँ और आप सबके सामने। मोहतरम हजरात, मैंने वहाँ से जब शुक्रिया अदा किया था तो ये कहा था कि मैंने भी एक सपना देखा था। हर आदमी देखता है, जब आँखें हैं तो सपना देखने के लिए, वरना फिर आँखें हैं क्यों। मारा, लेकिन ये सपना नहीं देखा था कि एक साथ मुझे इतनी मोहब्बत मिलेगी कि मेरा ये इतना लंबा चौड़ा कुर्ते का दामन बहुत ही छोटा पड़ जाएगा। आपका वाकई जो लोग मुझे थोड़ा बहुत जानते हैं वो जानते हैं कि इस तरह की गैर ज़रूरी इंकसारी मेरी ज़िंदगी में और मेरी ज़ात में नहीं रही। इसलिए ये जुमला जो मैंने कहा ये इंकसारी या मॉडेस्टी में नहीं कहा, सच्चाई से कहा। हमारा मसाला ये है कि हमारे ज़माने में आदमी जब कहता है कि मैं सच कहूँगा तो लोगों को यकीन नहीं आता, क्योंकि हम इतना झूठ सुनते हैं ज़िंदगी में कि हमारा सच पर से ईमान उठ गया। लेकिन यकीन जानिए, मैं बिल्कुल सच्चाई से कह रहा हूँ और तमाम मजहबी किताबों को तसव्वुर में अपने सर पर रख के कह रहा हूँ। हैरान। दूसरी बात यह कि अतीक साहब, आपका बड़ा बहुत ममनून हूँ और मुद्दत बात आपका आपको देख रहा हूँ, दीदार कर रहा हूँ आपका, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगा कि दोनों ही अतीक मेरे लिए फाले नेक हैं कि मेरी दो आँखें हैं, यूं समझ लीजिए कि एक अधिक साहब इधर है, एक अधिक साहब। बहरहाल पहली बार आप ही ने मुझे यहाँ दावत दी थी, अब मैं आपका वक्त ज़्यादा ज़ाया नहीं करूँगा। लेकिन एक बात मैं फिर अर्ज़ करूँ आपसे कि आप लोगों ने जो मोहब्बतें दी मुझे, जो इनायत फरमाई आप सब ने, आपके अंजुमन ने, वो मेरी तवक्को से और मेरी सलाहियतों से बहुत ज़्यादा है, यकीन जानिए। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं दो चार दस मिनट में आपको जो भी टूटा फूटा है, ताकि आपको ये भी न लगे कि वाकई किसी जाहिल का साथ हो गया काम करना पड़े। बहरहाल मुलाजा करें, एक शेर से शुरू करता हूँ, देखें मुलाजा। खामोश तुम थे और मेरे होंठ भी थे बंद। वाह। खामोश तुम थे और मेरे होंठ भी थे और बंद। मेरे होंठ भी थे बंद, फिर इतनी देर कौन था जो बोलता रहा। खामोश तुम थे, वाह 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 वाह। खामोश तुम थे और मेरे होंठ भी थे बंद, मौलाना हंसने का महल नहीं था। खामोश तुम थे और मेरे होंठ भी थे बंद, फिर इतनी देर कौन था जो बोलता रहा। फिर इतनी देर कौन था जो बोलता रहा। ये भी हुआ कि मज़हब ज़बानें मज़हबों की नहीं होती, तहजीबों की, ये बातें भी हुई। मैं बहुत नज़में हमारे अतीक साहब ने सुनाई तो मुझे लगा कि नज़मों और आपने सुनी जिस तरह। एक बहुत ही मुख्तसर, हमारे जिगर साहब कहते थे कि जब अल्लाह मियाँ किसी अच्छे शेर से इंतकाम लेना चाहता है तो किसी जाहिल और जट्टल शायर को दे देता है, लेकिन जब किसी अच्छे शायर से इंतकाम लेता है तो उसकी ज़बान पर ख़राब शेर रख देता है। लेकिन मैं ये दोनों ही बातें जिगर साहब से एहतराम के साथ मानते हुए ये तीसरी बात ही अर्ज करना चाहता हूँ कि कई बार अच्छा या शेर इस पर मुनसर है कि सुनने वाला पढ़ने वाला उसे कैसे लेता है। वाह वाह, उस पर डिपेंड। नीचे ने कहा था कि देर इज़ नो फैक्ट ऑनली इंटरप्रटेशन, कोई सच्चाई याद नहीं होती, सब उसकी तशरीह और ताबीर होती। बहरहाल एक बहुत मुख्तसर सी नज़्म और आपका इम्तहान है, मेरा नहीं, मैंने तो कह दिया, अब आपका इम्तहान है। देखिए
बहुत जल्दी खत्म होगी, सिर्फ 3 सेकंड से कि अंदर की नज़्म में मुलाहिज़ा करें सर। सर अर्ज करूँ, मुलाहिज़ा करें। हर्फ एक तुम भी हो, मैंने फर्द नहीं कहा, नहीं कहना यही चाहता हूं, लेकिन ये जबान की मजबूरी है कि आप वहां फर्द कह नहीं सकते। हर्फ एक तुम भी हो, वाह, एक हर्फ मैं भी हूं, लफ्ज क्यों ना हो जाएं। वाह 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 वाह, क्या कहने निजाम साहब, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर्फ एक तुम भी हो, एक हर्फ मैं भी हूँ, एक हर्फ मैं भी हूँ, क्यों ना लफ्ज हो जाए। अब इस हर्फ जगह फर्द रख दीजिए, फर्द वो है ना जो दूसरे से मिलता नहीं है, शख्स से भी फर्द बड़ा लफ्ज है, शख्स छोटा लफ्ज पड़ जाता है, फर्द बड़ा लफ्ज बनता। लेकिन और हर्फ को अगर उस तरह से लीजिए तो फर्द वो हर्फ वो होता है जो मिटता नहीं है। फिर हर्फ के सारे मुहावरे आप पढ़ लीजिए, पढ़े लिखे लोग हैं आप, मेरे जात पर हर्फ आया, तुझ पर हर्फ, वगैरह वगैरह वगैरह। हर्फ एक तुम भी हो, एक हर्फ मैं भी हूं, लफ्ज क्यों ना बन जाए। मैं समझता हूं कि इससे बेहतर मैं आपको और आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया किन अल्फाज में अदा करूं। और इसी सिलसिले में अब बगैर किसी तमीद के दो ऐसी छोटी छोटी नज़में आपकी खिदमत में पेश करने की इजाज़त चाहता हूं कि जी वो तो फिर पहले ही बहुत छोटे छोटे बहुत कम वक्त लूंगा आपका हुक्म मानूंगा ना, मैं जरूर सुनाऊंगा। इकबाल साहब का हुक्म सर आंखों पर, वो भी सुनाऊंगा एक छोटी सी नज़्म वाले देखे। और आप इसमें एक आपसे गुजारिश है, आपसे दस्त बस्ता कि आप इसे तसल्ली से सुने, क्योंकि नज़्म ऐसी गलत जगह पर सुनने वाले के लिए गलत जगह पर ख़त्म होती है कि वो समझता है कि ये क्या हुआ, नज़्म ख़त्म हो गई, मुलाहिज़ा करें। और ये नज़्म के शायद और आप नज़्म लोग कहते ना कि नज़्म में कुछ होता नहीं है, एक बार देख लें, मुलाहिज़ा करें। चाहे कुछ भी पहन लूँ मैं, चाहे कुछ भी पहन लूँ मैं, फेरत भी देख लें, चाहे कुछ भी पहन लूँ मैं सज संवर लूँ, चाहे कुछ भी पहन लूँ मैं सज संवर लूँ, कैसा लगता हूँ जवाब इसका मुझे मिलता नहीं है। वाह वाह वाह, चाहे कुछ भी पहन लूँ मैं सज संवर लूँ, कैसा लगता हूँ जवाब इसका मुझे मिलता नहीं है, जब तलक वो देख न ले और उसके देखने को देख न लूं मैं। वाह 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 जी, वाह 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 वाह। तो इसलिए मैंने कहा नज़्म वहां खत्म नहीं होती, वहां से तो नज़्म बनती है। हौसला अफजाई, हौसला अफजाई। चाहे कुछ भी पहन लूं मैं, आहंग भी देख ले, चाहे कुछ भी पहन लूं मैं सज संवर लूं, कैसा लगता हूं जवाब इसका मुझे मिलता नहीं है, जब तलक वो देख न ले और उसके देखने को देख न लूं मैं। इसी सिलसिले में एक नज़्म और देख लें, मुलाहिज़ा करें आपके संस्कृत में है, संस्कृत के पोइट बड़े बातें करते रहे ना कि तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी तू मुझे अंधेरे से उजाले की ओर ले चल। ये ज़रा तंज न समझिएगा इसे उन पर भी, लेकिन जो सच्चाई है मैं वो अर्थ करना चाहता हूँ। तीरगी से, उसका मतलब ये है संस्कृत में कि तू मुझे अंधेरे से तीरगी से उजाले की ओर ले जा, दुआ कर रहा है। तमसो मा ज्योतिर्गमय बड़ा मशहूर है, बारह तीरगी से बढ़ के कितनी तीरगी है, तीरगी से बढ़ के कितनी तीरगी है रोशनी में, तीरगी से बढ़ के कितनी तीरगी है रोशनी में, उनको ये मालूम कब था जो दुआएं मांगते थे तमसोमा ज्योतिर्गमय। तीरगी से बढ़ के कितनी तीरगी है रोशनी में, उनको ये मालूम कब था जो दुआएं मांगते थे तमसोमा ज्योतिर्गमय। और वह एक छोटी सी नज्म इस सिलसिले में और देख लें, फिर उसके बाद बहुत सारी हैं छोटी छोटी नज्में, तो फिर कभी जिंदगी रही तो
लेकिन एक ये नज़म ये भी देखें। अभी ये ख़ास तौर से अहमद तारिक साहब की खिदमत में इसलिए पेश करूं कि रास्ते में नेविगेटर तो इनके पास था और गाइड कोई और साहब कर रहे थे। मुलाहिज़ा करें पहुंच ही, और इसका भी आहंग देखें, पहुंच ही जाती है मिलने, पहुंच ही जाती है मिलने, ढूंढती उसको जिसे वो चाहती है। पहुंच ही जाती है मिलने ढूंढने, पहुंच ही जाती है मिलने ढूंढती जिसे वो चाहती है। नदी के सामने नक्शा कहाँ है? वाह 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 वाह। नक्शा कहाँ है? वाह वाह वाह। नदी के सामने नक्शा कहाँ है? पहुंच ही जाती है मिलने ढूंढती जिसे वो चाहती है। नदी के सामने नक्शा, मतलब मुलाहिज़ा करें गजल का, के दुश्मन तक के हक में दुआ करते थे, दुश्मन तक के हक में दुआ करते थे, कैसे कैसे लोग हुआ करते थे। वाह वाह वाह। दुश्मन तक के हक में दुआ करते थे, क्या कहने, कैसे कैसे लोग हुआ करते थे। और ये भी शेर सुने के कहती है दादी अपने पोते से, समझा, माफ कीजिए, समझाए कैसे दादी पोते को, इस बस्ती में पेड़ हुआ करते थे। समझाए कैसे दादी पोते को, इस बस्ती में पेड़ हुआ करते थे, कैसे कैसे लोग हुआ करते थे, इस बस्ती में पेड़ हुआ करते थे, जाने कैसे लोग हुआ करते थे, दुश्मन तक के हक में दुआ करते थे। और ये शेर भी दे, करते थे बातें आंखों आंखों में, करते थे बातें आंखों आंखों में, दीवारों के कान हुआ करते थे। करते थे बातें आंखों आंखों में, दीवारों के कान हुआ करते थे। बाकी के शेर पर आगे दूसरा मतलब मुलाहिज़ा कर लें आपके। अरे ये दीवारों के कान हुआ करते थे, करते थे बातें आंखों आंखों में, दीवारों के कान हुआ करते थे। और ये दूसरा मतलब ये कि, लेकिन इसका एक शेर सामने आ गया, मुलाहिज़ा कर लें कि, और ये ख़ास तौर से आप वो लोग जो अलाप के पास बैठे रहे, मैं तो वहाँ से आया हूँ, और आप भी सभी हम लोगों के घरों के बाहर गांवों में इस तरह के होते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत खूबसूरत लफ्ज़ था अतीक साहब और आप सब लोग देखें, मिस, जिसे हमने मिस कर दिया है अंग्रेजी वाला, मिस माने बहाने से। अब ये शेर सुने, किस्सों के मिस वो अक्सर रातों को, किस्सों के मिस वो अक्सर रातों को पीछे मुड़कर देख लिया करते थे। कैसे कैसे लोग हुआ करते थे, पीछे मुड़कर देख लिया करते थे। और ये शेर सुने के खास तौर से सुनाना चाह रहा, देखिए लमाव करे, शब की शाखों पर नींदें लगती थी, मुलाहिजा करें कि शब की शाखों पर नींदें लगती थी और फिर उनमें ख्वाब खिला करते थे। शब की शाखों पर नींदें लगती थी, शब की शाखों पर नींदें लगती थी और फिर उनमें ख्वाब खिला करते थे, कैसे कैसे लोग हुआ करते थे। और अब ये जो मैं सुनाना चाह रहा था पहले, कहानी कोई, मुलाहिजा करें, आप सब माफ़ करें, हमारी बहनें माएँ, वो कहानी कहने का हुनर भूल गई हैं आप, ये मुझे बड़ी शिकायत है तमाम औरतों से। मैं एंटी फेमिनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन फेमिनिस्ट की फेवर में भी नहीं हूँ, इसीलिए नहीं हूँ कि हमारे बच्चे कहानी सुनने का हुनर भूल गए हैं। और माफ़ कीजिए, जो सुनने का हुनर भूल जाता है वो पढ़ने का हुनर भी भूल जाता है। हम कहानी सुनने का हुनर मुद्दतों से भूल गए हैं, कहानी सुनने का और पढ़ने का हुनर दादा दादी के दबिस्तानों से आदमी सीख के आता है। जब वो कहानी के साथ उसका अपना तस्वुर जुड़ा हुआ होता है,
एक अकबर सबके लिए पृथ्वीराज कपूर हो गए, हम जब देख रहे थे तो हमारे लिए अकबर अलग था, मेरे भाई का अकबर दूसरा था, मेरे चाचा के बेटे का भाई अकबर तीसरा था, अब सबका पृथ्वीराज कपूर हो गया। ये लानत हम पे बड़ी, इसलिए ये इसको इस एंगल से आप मुलाहिजा करें कि कहानी कोई अनकही भेज दे, कहानी कोई अनकही अनटोल्ड स्टोरी, कहानी कोई अनकही भेज दे, अंधेरा हुआ रोशनी भेज दे, कहानी कोई अनकही भेज दे, अंधेरा हुआ रोशनी भेज दे, उदासी अकेले में डर जाएगी। शेर मुलाहिजा करें कि उदासी अकेले में डर जाएगी, घड़ी दो घड़ी को खुशी भेज दे, उदासी अकेले में डर जाएगी, घड़ी दो घड़ी को खुशी भेज दे, उदासी अकेले में डर जाएगी, घड़ी दो घड़ी को। और ये पूरी तलमीज देखें, इस्तारे भी देखें, यहाँ कोई तूफान आने को है। गजल इशारे कालटे आप जानते हैं, यहाँ कोई तूफान आने को है, यहाँ कोई तूफान आने को है, कोई शाख जैतून की भेज दे, यहाँ कोई तूफान आने को है, कोई शाख जैतून की भेज दे। और ये देखें कि जमीन पर हमारी बड़ा शोर है, खला से जरा खामोशी भेज दे, जमीन पर हमारी बड़ा शोर है, खला से जरा खामोशी भेज दे। और फरिश्ते जमीन पर बहुत आ चुके, फरिश्ते जमीन पर बहुत आ चुके, कहीं से कोई आदमी भेज दे, फरिश्ते जमीन पर बहुत आ चुके, कहीं से कोई आदमी भेज दे, कहानी कोई अनकही भेज दे, अंधेरा हुआ रोशनी भेज दे। और ये आखिर में तीन चार शेर मिला था, चांद तारे तो घर में वो भी सुना दिए, वो जो है ना बाकी उतार, हाँ वो भी सुना दिए, अकेला है जी। और ये भी दोस्तों की देखिए, आज के जमाने में, माफ कीजिए मैं किसी जलन धुलन के वजह से नहीं कह रहा, आजकल के जमाने में कोई किसी की तारीफ नहीं करता, बट आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मेरे दोस्त मेरी तारीफ करते हैं, वरना दोस्तों का काम तो आप जानते ही हैं। क्योंकि आखिर नहीं, लेकिन मुझे अब ये शक होने की गुंजाइश नहीं रही। बहरहाल जी, दो शेर उसके भी सुनिए आप अब तो। अच्छा कब तक, मतलब ये आपका हॉल कब तक है? नहीं इसलिए दोस्तों को सुनते आप जो मुझसे ज्यादा अच्छा पढ़। बहरहाल मैं क्यों टाइम खराब कर रहा हूँ, मलाजा करें जी सर, कि अब कोई दोस्त, पहले आप सुन ले, अब कोई दोस्त नया क्या करना, अब कोई दोस्त नया क्या करना, भर गया जख्म हरा क्या करना, अब कोई दोस्त नया क्या करना, अब कोई दोस्त नया क्या करना, भर गया जख्म हरा क्या करना। और उससे अब लाहौल वाला, अब कोई दोस्त नया क्या करना, भर दो तीन शेर सुन ले बाकी तो फिर, अब कोई दोस्त नया क्या करना, भर गया जख्म हरा क्या करना, और उससे अब जिक्र वफा क्या करना, उससे अब जिक्र वफा क्या करना, हौसला हार गया क्या करना। और ये शेर खास तौर से सुना है, जिसके लिए जहमत दे रहा था आपको, कि जिसको मुंह तक का कहा याद नहीं, याद कीजिए हमारा पूरा कल्चर, जिसको मुंह तक का कहा याद नहीं, उसके हाथों का लिखा क्या करना, जिसको मुंह तक का कहा याद नहीं। आप देखिए दोनों कल्चर, दोनों हिंदू मुसलमान दोनों की कल्चर बहुत अच्छा, प्राण जाए पर वचन न जाए वो कह रहे, इधर तो सिर्फ कबूल है, पूरी जिंदगी हवाले कर दी एक लफ्ज में, तो जिसको मुंह तक का कहा याद नहीं, उसके हाथों का लिखा क्या करना, जिसको मुंह तक का कहा याद नहीं, उसको हाथों का लिखा क्या करना। और ये एक पहले नज्म सुन लें, फिर गजल के साथ बात आप खत्म हो जाएगी। पहले में ये हमारे इकबाल भाई का नज्म जो आप सुना तो फिर उसके बाद मलाइजा करें कि एक सामने का मुशायदा है, बस उसे आप सुन लें, सामने का आप सब जानते हैं उसे, लेकिन थोड़ा सा इशारा देखें, आपके जाने कितने लम्हे बीते,
जाने कितने साल हुए हैं तुमसे बिछड़े, जाने कितने लम्हे बीते, जाने कितने साल हुए हैं तुमसे बिछड़े, जाने क्या क्या सोचा मैंने, खोया मैंने, पाया मैंने, जाने कितने लम्हे बीते, जाने कितने साल हुए हैं तुमसे बिछड़े, जाने क्या क्या सोचा मैंने, खोया मैंने, पाया मैंने, जाने कितने समझौतों के दाग लगे हैं रूह पे मेरी, जाने कितने समझौतों के दाग लगे हैं रूह पे मेरी, जख्मों के जंगल पर लेकिन आज अभी तक हरियाली है, जाने कितने समझौतों के दाग लगे हैं रूह पे मेरी, जख्मों के जंगल पर लेकिन आज अभी तक हरियाली है। यहाँ से गुरेज एस्केप देखें कि तुमने ठीक कहा था उस दिन, तुमने ठीक कहा था उस दिन, प्यार चांद जैसा होता है, तुमने ठीक कहा था उस दिन, प्यार चांद जैसा होता है, और नहीं बढ़ने पाता तो धीरे धीरे खुद ही घटने लग जाता है। तुमने ठीक कहा था उस दिन, प्यार चांद जैसा होता है, और नहीं बढ़ने पाता तो धीरे धीरे खुद ही घटने लग जाता है। और ये गजल का मतलब देख ले कि मेरे अल्फाज में असर रख दे, मेरे अल्फाज में असर रख दे, सीपियां हैं तो फिर गौर रख दे, मेरे अल्फाज में असर रख दे, सीपियां हैं, नहजुल बलागा को याद कीजिए कि मेरे अल्फाज में असर रख दे, सीपियां हैं तो फिर गौहर रख दे, और बेखबर की कहीं खबर रख दे, दूसरा मतलब देखें कि बेखबर की कहीं खबर रख दे, हासिले जहमते सफर रख दे, हासिले जहमत। और ये जो सब कुछ हो रहा है, पेड़ 100 वर्ष का कट रहा है, 6 दिन का पौधा आप लगा रहे हैं, विकास कर रहे हैं कि विनाश कर रहे हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। मुलाहिजा करें कि दो चंद लम्हे तो कोई सुस्ता ले, चंद लम्हे तो कोई सुस्ता ले, राह में एक तो शजर रख दे, और गर शजर में समर नहीं मुमकिन, गर शजर में समर नहीं मुमकिन, उसमें साया ही शाख भर रख दे, घर शजर में समर नहीं मुमकिन, उसमें साया ही शाख भर रख दे। और सुबह का अखबार चाय के साथ मिलता है, और क्या क्या पढ़ते हैं सरे वर्क पर ही वो आप जानते हैं। मुलाहजा कीजिए कि कल के अखबार में, खास तौर से मुलाहजा कीजिए कि कल के अखबार में तू झूठी ही, कल के अखबार में तू झूठी ही, एक तो अच्छी सी खबर रख दे, कल के अखबार में तू झूठी ही, एक तो अच्छी सी खबर रख दे। और ये आखिरी शेर मुलाहजा करें, तू अकेला है बंद है कमरा, तू अकेला है, क्या अच्छा है साहब, बंद है कमरा, अब तो चेहरा उतार कर रख दे। वाह 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 वाह, बहुत जश्न शीनकाफ निज़ाम कामयाब हो गया। आप सब लोगों की वजह से मैं आप लोगों का तह दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उर्दू की इस तहलीस पर आपने अपनी आंखों के दिए अभी तक जला रखे। आ जाए ग्रुप फोटो के लिए। नारियल के दरख्तों की पागल हवा, खुल गए बादबां, लौट जा लौट जा, सांवली सरजमी पे मैं अगले बरस फूल खिलने से पहले ही आ जाऊँगा। आप सभी ख़वातीन हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए।